ये तो बीजेपी और पीडीपी के जो गठबंधन है उनकी अंदरूनी बातें हैं। जाहिर है मुझको पता नहीं होगा कि क्या वजह है डिले हो रही है। इसका एक फैक्टर ये है जो इमोशनल है, महबूबा जी ने अपनी वालिद साहब जो उनके अतालीक थे, इन्हें सिखाने वाले थे, राहबर थे, तो इसलिए उनकी याद उन पर बहुत गालिब आ गई और इमोशन के एतबार से और जो रसूमात हैं उनके एतबार से उन्होंने ठहराव किया और सोच समझ के वो हलफ लेना चाहती है। वो तो एक पहलू है। सियासी पहलू ये है कि अंदरूनी तौर उनको कुछ बातों को तय करना है जो दिखाई देता है, पर मुझे लगता है दूर से कि बीजेपी इस हालत में नहीं है कि वो बड़े कठिन सवाल उठाएंगे और महबूबा जी उनका जवाब नहीं दे सकेंगी, तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये गठबंधन शायद उनकी मजबूरी है, तो हमको इंतजार करना चाहिए। आपको लगता है कि महबूबा जी की तरफ से कुछ कमिटमेंट, कुछ एश्योरेंस, ये कहा जा रहा है कि हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे उनको चाहिए तभी वो सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेंगी? नहीं, कुछ दिक्कतें आई होंगी पिछले जमाने में, तो उन दिक्कतों को महबूबा जी दूर करना चाहती होंगी, तो इसलिए हमको इंतजार करना चाहिए कि वो तय करेंगे। मुझे लगता है दूर से बीजेपी और पीडीपी को मजबूरी है इस वक्त गठबंधन में रहने के लिए, और हमको कोई अफसोस नहीं है। हम तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है, और हम अपोजिशन में हैं, तो हमको इंतजार करना चाहिए।